नमस्ते। हर रोज़ सबसे बढ़िया डील्स पाने के लिए और ऑनलाइन शॉपिंग करते समय ढेर सारे पैसे बचाने के लिए हमारे टेलीग्राम या फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको मिलेंगे सबसे बेस्ट डील्स और ऑनलाइन शॉपिंग करने के टाइम ढेर सारा डिस्काउंट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, PS5 का आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और आपको पता है कि PS5 का इंडिया में प्राइस जो है वो रिवील हो गया है, अमेजोन इंडिया पे लिस्ट भी हो गया था, मैंने एक वीडियो भी बनाया था। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्राइस दिखा देता हूँ और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो PS5 है उसके जो दोनों वेरियंट है उसके लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो कोशिश करना जो मैंने प्रोवाइड किए गए लिंक्स हैं उसी से शॉप करना। तो आज के इस वीडियो में मैं एक रिएक्शन देने वाला हूँ अनबॉक्सिंग वीडियो का, मतलब PS5 और उसका कंट्रोलर का अनबॉक्सिंग है उसका मैं एक मेरा रिएक्शन हिंदी में देने वाला हूँ। हालांकि इंडिया में जो है वो किसी के पास अभी तक आया नहीं है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पर आने वाले समय में शायद अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत सारे लोगों के पास आ गया होगा। अभी फिलहाल के लिए जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तभी किसी के पास नहीं है, तो हम लोग इंटरनेशनल जो टेक रिव्यूअर्स है उनके पास वो प्रोडक्ट आया हुआ है, तो हम लोग उनका ही अनबॉक्सिंग देखेंगे और अपना रिएक्शन देंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा जो प्राइस है कौन से प्राइस पे अवेलेबल होने वाला है। तो अमेजोन इंडिया पे अवेलेबल होने वाला है और ये 28 नवंबर एंड तक मिलना चालू हो जाएगा। जो प्राइस इन लोग ने बताया हुआ है जो डिस्क वाला वेरिएंट है उसका 49,990 बताया हुआ है, मतलब 50,000 का मिल जाएगा। और जो डिजिटल एडिशन जो है जो विदाउट डिस्क वेरिएंट आने वाला है वो आपको मिलने वाला है 39,990 में, मतलब ये 40,000 का आपको मिल जाएगा और अमेज़न इंडिया से आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहीं से शॉप करना, क्योंकि अगर मेरे लिंक से शॉप करोगे तो चैनल को हेल्प होगा इनडायरेक्टली ग्रो करने के लिए। तो डेफिनेटली अगर परचेस कर रहे हो तो मेरे लिंक से शॉप कर लेना। तो चलिए फटाफट से अनबॉक्स करते हैं और अनबॉक्स करते करते मैं मेरा रिएक्शन उसके सामने देता हूँ और आपको स्पेसिफिकेशन भी थोड़ा बहुत उसमें बता देता हूँ, स्पेसिफिकेशन फीचर्स सारा। चलिए ज़्यादा समय नहीं गंवाते और वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखो बॉक्स कुछ ऐसे दिखता है, ये देखो सोनी का ऐसे ऊपर लिखा हुआ है, बीच में है PS5 लिखा हुआ है, फिर बाद में PlayStation 5 लिखा हुआ है और नीचे कंट्रोलर दिख रहा है। और ये साइड में राइट साइड पे कॉर्नर में अगर आप देखोगे तो 8K 4K 120 हर्ट्ज और HDR लिखा हुआ है। तो ये मेन इसके फीचर्स है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये आएगा राइजन के प्रोसेसर के साथ, जैसे आपको मैंने बताया था राइजन ने रिसेंटली जो है वो अपना जेन सीरीज के प्रोसेसर लॉन्च किए थे और अभी मैंने पिछला एक वीडियो बनाया है ग्राफिक कार्ड का, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो नए उन लोग ने रेडियन ग्राफिक कार्ड्स लाए हैं वो भी इसके अंदर होने वाला है, मतलब इसके अंदर राइजन का प्रोसेसर भी होने वाला है और ग्राफिक कार्ड भी होने वाला है। राइजन का जो प्रोसेसर है उसमें 8 कोर 16 थ्रेड्स होने वाले हैं और जिसका क्लॉक स्पीड होने वाला है 3.5 GHz का। और जो रेडियन प्रोसेसर रहेगा वो RDNA 2 ग्राफिक कार्ड के साथ आने वाला है, मतलब वो टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ किया है। अगर आपको नहीं पता है RDNA 2 क्या है तो वो वाला मेरा ग्राफिक कार्ड वाला वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा क्या परफॉर्मेंस है, क्या पावर एफिशिएंसी मिल रहा है। ठीक है, तो ये PS5 Xbox S सीरीज और X सीरीज दोनों में यूज़ किया गया है AMD का प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड। तो चलिए फटाफट से वीडियो को भी देख लेते हैं। तो दूसरा और एक इन लोग ने बताया हुआ कि इसके अंदर 16 GB का जो है वो रैम होने वाला है। ये देखो बॉक्स ऐसे कुछ दिख रहा है, आप देखते रहना, मैं आपको बीच बीच में फीचर्स भी बताते जाऊंगा। तो अगर रैम की बात करें तो 16 GB का GDDR6 जो है वो रैम दिया हुआ है और इसमें जो इंटरनल मेमोरी है वो 825 GB का SSD होने वाला है। और अगर फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको रे ट्रेसिंग मिलने वाला है और 120 Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलने वाला है और 4K आपको सपोर्ट मिलने वाला है। और अगर आउटपुट की बात करें तो 4K तो आउटपुट रहेगा ही, उसके साथ साथ अगर आपके पास 8K का टीवी रहेगा तो 8K टीवी को भी आप कनेक्ट करके 8K कंटेंट भी देख सकते हैं। ये देखो ये अभी सील ओपन कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मैं पहले आपको थोड़ा सा फीचर्स बता देता हूँ। तो 8K का जो रेजोल्यूशन होने वाला है वो 4320p का रेजोल्यूशन होने वाला है और 120 Hz पे 4K रेजोल्यूशन आपको मिलने वाला है। और इसके अंदर जो डिस्क है, ये वाला जो वेरियंट है वो डिस्क वाला वेरियंट अनबॉक्स कर रहे हैं, तो डिस्क जो है वो ब्लूरे डिस्क 4K वाला इसको सपोर्ट करता है। चलिए फटाफट से अभी अनबॉक्सिंग देखते हैं। चलो सील ओपन कर लिया है, दोनों साइड में सील है, सील ओपन करने के बाद में देखते हैं क्या क्या मिलता है आपको बॉक्स के अंदर। चलिए बॉक्स को इसको ओपन कर लिया, ऊपर हैंडल था, हैंडल की तरफ से इसको ओपन कर दिया इन्होंने। अभी इसमें इन लोग ने इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं कि कैसे इसको ओपन करना है, मतलब पहले ऊपर एक डब्बा होता है, देखो आपको आगे अभी दिखाई देगा,
मतलब ये जो ऊपर का डब्बा है इसके अंदर और एक वाइट कलर का बॉक्स दिया हुआ है, ये देखो ये ऊपर का डब्बा इन्होंने निकाल दिया और ये वाइट कलर का बॉक्स है। अभी ये वाइट कलर का बॉक्स ओपन करने के बाद में इसमें इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, देखो ये देखो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इसको कैसे ओपन करना है। फर्स्ट ऊपर छोटा एक बॉक्स रहेगा उसको ओपन करना है, फिर कंसोल का जो बॉक्स है उसको निकालना है बाहर। चलिए इसको भी ओपन कर लेते हैं, ये देखो ओपन कर लिया, ये छोटा वाला बॉक्स है और ये जो बॉक्स है इसके अंदर जो है PS5 है, देख सकते हो आप। ये बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, इसको साइड में रख देते हैं और ये जो है ये हमारा है PS5। चलिए अभी बॉक्स के अंदर पहले देख लेते हैं जो छोटा वाला ऊपर आया था उसके अंदर अपने को क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं पेपर वर्क्स, तो पेपर वर्क्स हम लोग देख लेते हैं क्या क्या, पहले सारा चीज़ यहाँ से निकाल लेते हैं। ये देखो ये स्टैंड है, ये भी निकाल लिया, HDMI केबल निकाल लिया, उसके बाद में ये साइड पर ये पावर अडैप्टर है और कंट्रोलर है और इसके अंदर और एक USB Type-C to Type-A वाला केबल है। चलिए एक एक चीज़ जो इसमें से निकाली है वो एक एक देख लेते हैं अभी बॉक्स को साइड में रख के। ये देखो ये गारंटी कार्ड पहले आपको मिल रहा है, फिर बाद में आपको यूज़र मैनुअल वगैरह मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे पेपर वर्क इसके अंदर दिए हुए हैं, बाकी इंस्ट्रक्शंस इंस्टॉलेशन वगैरह के भी दिए हुए हैं, जैसे आपको अगर माउंट करना है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल तो आपको कैसे करना है वो सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है क्योंकि ये इंटरनेशनल वीडियो है और इंडिया में अभी तक ये आया नहीं है। अभी ये देखा जाए तो ये जो वायर है ये पावर का वायर है, के बाद में ये Type-C to Type-A वाला केबल दिया हुआ है, ये भी देख लेते हैं कितना लंबा है। ये देखो ये इतना लंबा है, तो वायर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है, हालांकि किसी भी वायर को गोल्ड प्लेटेड नहीं दिया हुआ है। ये देखो ये HDMI वायर है, तो इसके बॉक्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। हाई स्पीड HDMI केबल लिखा हुआ है और ये भी गोल्ड प्लेटेड नहीं दिया हुआ है। उसके बाद में कंट्रोलर को अनबॉक्स करते हैं, कंट्रोलर को पास से देख लेंगे और फिर बाद में मेन प्रोडक्ट को देख लेंगे। ये देखो ये प्लास्टिक के अंदर था ये, अभी ये देखो ये पास से आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसकी बात करें तो इसके अंदर ड्यूअल सेंस कंट्रोलर दिया हुआ है और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो बटन्स है प्रीवियस जनरेशन के, मैं आगे दिखाऊंगा प्रीवियस जनरेशन के जो कंट्रोलर्स है उससे थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है। क्या डिफरेंट किया है, ये जो मार्किंग्स जो है ना वो बटन्स के अंदर है, ऊपर के साइड में नहीं है। मतलब क्या होता है आफ्टर सम टाइम यूज़ करते हो ना तो ये घिस के निकल भी जा सकता है, पर ये ऐसे यूज़ करने की वजह से क्या होता है अंदर से LED लाइट रहता है तो इसकी वजह से ये कभी आपका घिसेगा तो भी जाएगा नहीं प्रिंट, ठीक है। मतलब ऊपर से प्रिंट नहीं है अंदर से है, ये एक अच्छा चीज़ इसमें दिया हुआ है। अगर कंट्रोलर के फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको बिल्ट इन माइक्रोफोन भी आ रहा है और स्पीकर भी आ रहा है, ये जो बारीक दिख रहा है ना वो स्पीकर दिया हुआ है। देखो पीछे के साइड में USB पोर्ट दिया हुआ है और ये उसके ट्रिगर्स हैं, पीछे के साइड में ऐसे दिखता है ये। ये देखो नीचे के साइड में इन लोगों ने हेडफोन जैक दिया हुआ है 3.5mm का और ये चार्जिंग पोर्ट है। इसके साथ एक डॉक भी आप ले सकते हो जिसको आप डॉक को यूज़ करके आप इसको चार्ज भी कर सकते हो। ये देखो क्लोज़र लुक मैं दिखा रहा हूँ आपको, मस्त दिख रहा है एकदम, पास से देख लेना कैसे है, एकदम डिटेल में बता रहा है। पीछे के साइड में भी Type-C चार्जिंग के लिए पोर्ट है और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो टेक्सचर दिया हुआ है कंट्रोलर के अंदर, जो कि स्क्वायर सर्कल प्लस ट्रायंगल ऐसे दिखाई दे रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। ये आपको इसमें भी मिलने वाला है, जो PS5 जो है उसके बॉडी के अंदर भी आपको ये सेम डिज़ाइन जो है वो मिलने वाली है, ये काफ़ी मस्त लग रहा है। ये देखो पुराने जो कंट्रोलर है उसको अगर कंपेयर करोगे तो ऐसे दिखता है, ये देखो सारे पुराने जो भी थे कंट्रोलर और अभी का कंट्रोलर उसके साथ कंपेयर किया हुआ है। इसके अंदर गाइस नॉन रिमूवेबल बैटरी है और जो कि आप USB Type-C से चार्ज कर सकते हैं। रुको अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, मैं और एक कंट्रोलर का आपको बता देता हूँ। और फिर इसके अंदर जो है वो आपको मोशन सेंसर मिलने वाला है, जो गेम्स मोशन सेंसर को सपोर्ट करते हैं, एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप दोनों आपको बिल्ट इन ये कंट्रोलर में मिलने वाला है, यही इसके स्पेशल स्पेसिफिकेशन है। चलिए अभी जानते हैं ये PS5 के बारे में, जो मेन प्रोडक्ट है हमारा, इसको खोल के देख लेते हैं। ये देखो ये ऊपर का पॉलीथीन है, इसको ओपन करने के बाद में अंदर आपको PS5 दिखाई देगा और आगे आपको और भी दिखेगा कि ये सबसे बड़ा है। मतलब अगर आप Xbox से भी देखोगे या फिर PS के पुराने वर्जन्स को भी देखोगे ना तो ये सबसे बड़ा इन लोग ने कंसोल है वो बनाया हुआ है। ये जो है ये इसका स्टैंड है, जो कि आपने देखा था इंस्ट्रक्शन मैनुअल में, अगर आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल माउंट करना है तो ये स्टैंड आपको लगेगा। कि आपको मैं बता देता हूँ कैसे वो लगता है, आगे आपको दिखाई देगा।
ये देखो सेंटर में जो है ना ये ग्लॉसी फिनिश है और साइड में जो है वो मैट फिनिश दिया हुआ है। और अभी पास से अगर आप देखोगे ये सारे बटन से पावर बटन वगैरह, ये टाइप सी पोर्ट है, ये टाइप ए पोर्ट दिया हुआ है एक सामने की तरफ में। और पीछे के पोर्ट्स भी बताता हूँ, सामने की तरफ से आपको जो ब्लू रे वाला वेरिएंट है तो डिस्क का स्पेस मिल जाता है। पीछे के साइड में आपको 3.0 यूएसबी पोर्ट, लैन पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट और पावर आउटपुट मिल रहा है और ये सारे वेंट्स दिखाई दे रहे हैं। देखो अंदर के साइड में वो डिज़ाइन है और बाहर के साइड में ये जो बारीक बारीक दिख रहा है ना वही वो एक्स ओ प्लस ट्रायंगल वो वाला टेक्सचर इसके अंदर दिया हुआ है। अब ये देखो स्टैंड लगाने के लिए आपको पीछे के साइड में वर्टिकली आपको माउंट करना है तो आपको ये डालना पड़ेगा। इसके अंदर जो स्क्रू है वो लगा के इसको वर्टिकली जो है, ये देखो ये स्क्रू है, इसको निकालो। इसको निकालने के बाद में देखो आपको बता देगा कैसे हो रहा है, ऐसे इसको प्लेस करना है इसके ऊपर और फिर ये आप वर्टिकली इसको स्टैंड कर सकते हो। ठीक है, आपकी जैसी मर्जी आप इसको अपने घर पे रख सकते हो वर्टिकली या फिर हॉरिजेंटली माउंट उसको कर सकते हो। अभी ये देखो ये वर्टिकली माउंट हो गया कंट्रोलर के साथ, देखो कैसे दिख रहा है। इतना बड़ा है ना गाइस, ये सबसे बड़ा ये कंसोल इस बार का है। एक्सबॉक्स को देखो या फिर पुराने वर्जन्स को देखो पीएस के, सबसे बड़ा यही है। अभी हॉरिजॉन्टल भी माउंट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो तब तक आप डिज़ाइन देखो पास से कंट्रोलर का फिर कंसोल का कितना सही दिख रहा है। देखा पीछे के साइड में कैसे दिख रहा है। ये देखो ये पुराने जो प्ले स्टेशन है उसको भी कंपेयर किया, देखो सारे वर्जन्स जो भी थे कंपेयर किया तो कैसे दिख रहा था, सबसे बड़ा यही है। अभी ये जो है वो हॉरिजॉन्टली माउंट कर रहे हैं, ये देखो हॉरिजॉन्टली माउंट कर रहे हैं, हो गया। हॉरिजॉन्टली माउंट करना इजी है कंपेयर टू वर्टिकल, तो आपको जैसे आपके जगह स्पेस है उसके हिसाब से आप उसको माउंट कर सकते हो। तो यही था गाइस इस वीडियो में। हालांकि इंडिया में किसी के पास भी अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। होपफुली अगर इंडियन ऑडियंस का सपोर्ट जो है वो अगर हम जैसे यूट्यूबर्स को या रिव्यूअर्स को मिलेगा तो डेफिनेटली ये जो कंपनीज़ है ये हमारे पास रिव्यू यूनिट्स है वो भेज देंगे। नहीं तो अभी क्या करना पड़ता है, सबको खुद से परचेस करके इसको रिव्यू करना पड़ता है। तो आने वाले समय में बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं या रिव्यूअर्स हैं वो खुद से परचेस करके इसको रिव्यू करने वाले हैं। हालांकि हमारा जो चैनल है वो इतना बड़ा नहीं है पर आपके सपोर्ट से ये चैनल बड़ा हो सकता है और डेफिनेटली ऐसे बड़े बड़े इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स जो है वो मैं आपके लिए रिव्यू लेके आता रहूँगा। तो आपको सपोर्ट दिखाने के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और आपको अगर कुछ डोनेट करना है आप कर सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे स्क्रीन पे भी कहीं पे डाल दूंगा UPI ID, GPay ID और PayPal ID। तो अगर आप डोनेट कर सकते हो तो कर देना, नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपलसरी नहीं है पर चैनल को सपोर्ट होगा अगर डोनेट करोगे तो। अगर नहीं कर सकते तो सिर्फ सब्सक्राइब लाइक शेयर भी करोगे तो भी हेल्प हो जाएगा चैनल को ग्रो करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन रहेगा उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि क्या होगा जब भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दो और अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर देना। बता देना PS5 कैसा दिखता है, कैसा उसका एक्सपीरियंस है, काफ़ी पास से मैंने आपको इसमें दिखाया हुआ है तो आपको मज़ा आएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको अगले और एक्साइटिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।